Index 103 business combinations. Now, as we understand, index 103 on business combinations relates to accounting of different modes of corporate restructuring and business combinations uh, that is that are carried out by the businesses. And uh, unlike in the past, where before. Uh, index one zero three on business combination as and when there was a merger or amalgamation uh, what will happen is if you are paying a consideration if you are paying a consideration of hundred crore for uh, for for an acquisition or for a merger you are paying one hundred crore and the value of assets that you are getting a uh, value of assets that you are getting was one twenty crore what you will do you will simply uh, put this tw 20 crore towards goodwill in the balance sheet of the company. Now, this accounting transaction after the advent of index one zero three is no longer application, applicable and why it is no longer applicable because now what we have to do now, we have to follow index one zero three and to purchase price allocation, PPA and this is mandatory in case,

अब आप ये जो आपने हंड्रेड करोड़ पे किया है इसको आप कैसे एलोकेट करेंगे ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी हाउ विल यू एलोकेट दिस अमाउंट ऑफ हंड्रेड करोड़ दैट यू आर पेड ऑन एसेट्स ऑफ द कंपनी एंड दिस इज नॉन एज परचेज प्राइस एलोकेशन तो फर्स्ट थिंग दैट यू विल डू इज टू आइडेंटिफाई ऑल टेंजिबल एसेट्स ऑल टेंजिबल एसेट्स ऑफ द कंपनी तो सीधी सी बात है how will you find out all the tangible assets of the company so the company the entire company has come to you and uh, the best way to find out uh, the, all the tangible assets of the company is uh, 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 is to look at the plant and uh, look at the fixed asset register and cross verify as to what is appearing in the fixed asset register is also there physically or not ideally of course so what is appearing in the fixed asset register should also appear in the physical form in the plant so that is number one what you will do to identify your tangible assets now what you will do having identified all the tangible assets you will do the you will find out fair value for all these tangible assets that you have got as part of the as part of the uh, acquisition so let's say you figure out that और ये टेक ओवर में जो एसेट्स आपके पास में आई हैं और वो सारी फिजिकल एसेट्स टेंजिबल एसेट्स उनकी फेयर वैल्यू क्या है उनकी फेयर वैल्यू इज कमिंग टू सिक्सटी करोड़ सिक्सटी करोड़ सो यू हैव पेड हाउ मच फोर्टी करोड़ एंड वॉट इज द वैल्यू ऑफ टेंजिबल एसेट दैट यू हैव गॉट सिक्सटी करोड़ हाउ मच इज द बैलेंस नाउ द बैलेंस इज नाउ फोर्टी करोड़ सो वॉट यू विल डू नाउ नाउ यू विल फाइंड आउट विच आर द इंटेंजिबल एसेट्स दैट यू हैव गॉट

पर लेट मी टेल यू दैट इज नॉट द ट्रूथ द ट्रूथ इज मोस्ट कंपनीज ऑल ओवर द वर्ल्ड रन नॉट ओनली ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ टेंजिबल एसेट्स सो दे रन ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स इंटेंजिबल एसेट्स और सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहुत सारी इंटेंजिबल एसेट्स जो कि एक बिजनेस यूज करता है अपने को चलाने के लिए उनकी वैल्यू उन कंपनीज के बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट भी नहीं होती है क्या मतलब है कहने का कहने का मतलब यह है कि कल को अगर आप कोक को एक्वायर करें या पैप्सी को, को एक्वायर करें या फिर आप नायके को एक्वायर करें या एरिडास एक्वायर करें या फिर आप प्यूमा को एक्वायर करें तो आप देखिए जब आप ये कंपनी को एक्वायर करेंगे तो इन कंपनी की बैलेंस शीट में आपको ऑन दी इन नेम ऑफ ब्रांड वैल्यू ज़ीरो डॉलर मिलेगा यानी कि प्यूमा का ब्रांड की वैल्यू आपको प्यूमा की बैलेंस शीट में नहीं दिखाई देगी पेप्सिको की ब्रांड uh, वैल्यू आपको पहले पेप्सिको की बैलेंस शीट में नहीं दिखाई देगी कोक की ब्रांड वैल्यू आपको कोक की बैलेंस शीट में नहीं दिखाई देगी तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि uh, सारी कंपनियां इंटेंजिबल एसेट्स को यूज़ करती हैं लेकिन वो उनकी बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट नहीं होता है और बैलेंस शीट में क्यों रिफ्लेक्ट नहीं होता है उसका कारण यह है क्योंकि वॉट विल रिफ्लेक्ट इन द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी ओनली समथिंग दैट यू हैक्वायर करी है तो इसका नाम है वो उसकी वैल्यू के बैलेंस शीट में नहीं दिखाई देगी तो सबसे पहले आपको क्या करना है सबसे पहले आपको मालूम करना है कि इस कंपनी की इंटेंजिबल एसेट्स कौन कौन सी हैं और याद रखिए इंटेंजिबल एसेट्स में दो तरह की मालूम पड़ेंगी कौन सी दो तरह की इंटेंजिबल एसेट्स आपको मालूम पड़ेंगी नंबर वन जो कि बैलेंस शीट में है इंटेंजिबल एसेट्स विच आर अपेरिंग इन दी बैलेंस शीट यस एंड नंबर टू इंटेंजिबल एसेट्स विच आर नॉट अपेयरिंग इन द बैलेंस शीट सो अब आपको क्या करना है अब आपको मालूम करना है कि ये जो इंटेंजिबल एसेट्स बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट हो रही हैं उनकी क्या वैल्यू है उनकी क्या वैल्यू है है ना तो आपने उसकी फेयर वैल्यू मालूम करी और आपको मालूम पड़ा कि उनकी फेयर वैल्यू है पंद्रह करोड़ अब कितना बचा सॉरी पच्चीस करोड़ अब कितना बचा पंद्रह करोड़ अब अगला स्टेप आप, आपको क्या करना है अगला स्टेप आपको मालूम करना है कि कंपनी की ऐसी कौन कौन सी इंटेंजिबल एसेट्स हैं जो कि कंपनी की बैलेंस शीट में नहीं है तो आपको लिस्ट आउट करनी पड़ेंगी एंड दैट इज वेर यू विल हैव टू टेक हेल्प ऑफ द मार्केट एक्सपर्ट्स Uh, they will they will find out for you as to which are the intangible assets you have got as a result of this company but these intangible assets are not reflecting reflecting on the balance sheet of this company so you will list, list them out and with the help of expert evaluation professional you will find out as to what is the value of all these intangibles which are there in the company but not reflecting in the balance sheet. So list out और जो वैल्यूएशन एक्सपर्ट है उसने आपको बताया कि उनकी जो फेयर वैल्यू है यानी कि वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स विच आर अपेरिंग इन द बैलेंस शीट विच आर नॉट अपेयरिंग इन द बैलेंस शीट बट आर अवेलेबल टू कंपनी फेयर वैल्यू ऑफ दो इंटेंजिबल एसेट्स इज टेन करोड़ नाउ वॉट इज द बैलेंस बैलेंस इज फाइव करोड़ नाउ हाउ दिस बैलेंस ऑफ फाइव करोड़ विल बी रिकॉर्डेड इन बुक्स दिस फैलेंस बैलेंस ऑफ फाइव करोड़

You can please ask me. Just one question, uh, Prabhupada. Please. When will this uh, India's 103 apply? Oh, very good. That's a very good question. That's a very good question.